जय श्री राम, जय भागवत। भक्तों, बागेश्वर धाम सरकार की कलश यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा पर, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार की कथा होने वाली है और गुरुदेव यहां पर जल्द ही उपस्थित होने वाले हैं और कलश यात्रा निकल चुकी है। कलश यात्रा में भी गुरुदेव सम्मिलित होने वाले हैं। तो अभी पता चला है कि गुरुदेव जल्द ही कलश यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो, भव्य कलश यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है जो सीधे पंडाल में जाएंगे। कलश यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। आगे का दृश्य आप लोग लाइव देखें। बोले जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। यहाँ पर जो कथा हो रही है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित हो चुकी है। भारी मात्रा में कलश यात्रा के लोग आए हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं पूरा रोड जाम हो चुका है। और पूरे जहाँ तक आप लोग नज़र डालेंगे तो आपको महिला कलश ले हुए सभी जगह आप लोगों दिखाई दे रही हो। और चार पंजाबी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। गुरुदेव की कलश यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग पवित्र पहुँच रहे हैं। और आज अभी ये हाल है, तो जब कथा होगी तो ये हाल होगी बहुत ही ज़्यादा है। यह कथा जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपनी गीता का पाठ सिखाया था, वहीं पर भगवान गुरुदेव को भी हनुमत कथा सुनाने का मौका मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित हो रहे हैं। जो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत व्यवस्था भी की गई है, किसी भी प्रकार की हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा की गई है। रथ घोड़ा सब कुछ यहाँ पर आया है गुरुदेव की शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में। आगे का कार्यक्रम आप लोग लाइव देख सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का उत्साह आप लोगों को देखने मिल रहा है। बोले जय श्री राम, जय बागेश्वर। Thank you.
खास तौर पे एक बार अपने चीजों को बोलकर करते हैं, सभी मेरे साथ बोलेंगे बनाते हुए चले और खासतौर पर जो चोरों